देख लीजिए, इस तरफ जाने के बाद फतेहगंज पहुँच जाएंगे और ये है धनी चौक घंटाघर। और इस तरफ से आप जाएंगी तो आगे फिर से रामपथ आपको मिल जाएगा, तो अयोध्या की तरफ लेके चला जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। धूप में धूप तो खत्म हो गई है, छाँव हो गई है, मैं निकल चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अयोध्या का शहर आधा पूर्व दिखाएंगे, अयोध्या शहर का जो किस तरह से है और क्या क्या काम चल रहा है पूरे शहर में। समय कि आप 80% किस काम चल रहा है, जिस रोड पर हम चल रहे हैं वर्तमान में, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है रायबरेली को जोड़ने वाला बाईपास बन रहा है और पहले सिंगल पकड़ रही थी, अभी खोलने हो रही है। तो मैं इस समय बड़ी नहर से आगे बढ़ते हुए और आपको तो दिखाएंगे। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको तो वीडियो को लास्ट तक बने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए दोस्तों, ये है रायबरेली वाला रोड, अब जो अयोध्या और रायबरेली को जोड़ता है, ये रोड बन ही रहा है, चल रहे हैं। साइड को तो बन चुका है, यहाँ से सी बनना है और सात को बाई रोड बनी है। सीमेंटेड रोड है, इसलिए से पानी डाला जा रहा है ताकि ये मजबूत और टिकाऊ बना सके। और इस तरह से है ये शहर का नज़ारा। अब यहाँ से शहर स्टार्ट ही हो चुका है और आगे भी आपको मिलता है बाईपास जो भी दिखाएंगे। जो है काफ़ी अच्छी बनी है, वो मोटी बनी है, इस पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह से बाइक को चला रहे हैं और हमारा कैमरा किस तरह से शूट कर रहा है इस वीडियो को। यहाँ पे पूरा पूरे शहर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चली रहा है। और चलिए बताते हैं आप लोगों को अयोध्या शहर के बारे में कुछ और जितनी जानकारी हमें। सरयू नदी के तट पर बसा है ये अयोध्या शहर, यहाँ से सरयू नदी होकर जाती है घाट और अयोध्या से होते हुए पूरा दिशा में जाती है। क्योंकि इतनी बड़ी सी मशीन लगी हुई है और ये देखिए यहाँ पर भी रायबरेली का जो टायर चल रहा है, बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है। और अयोध्या की कनेक्टिविटी हो गई एकदम बहुत ही अच्छी हो जा रही है, हर तरफ से मतलब रोड से कनेक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और निर्माण चल रहा है। और रेलवे स्टेशन वही है, दो रेलवे स्टेशन है, एक अयोध्या कैंट है, एक अयोध्या धाम। अयोध्या धाम को काफ़ी अच्छा हाईटेक रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वीडियो है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाईपास, टू बाईपास, रायबरेली बाईपास कई नामों से जाना जाता है। और यहाँ का दो चौराहे हैं, प्रयागराज वाला उसको इलाहाबाद चौराहे के नाम से जाना जाता है। और सामने आपको हमारे देख पा रहे हैं ये बाईपास जा रहा है ऊपर से, वो अपनी फटाफट पराठेदार कारों से लेकर जा रहे हैं सीधे लखनऊ की तरफ और उस तरफ जा रहे हैं गोरखपुर की तरफ। हम पहुंच चुके हैं बाईपास चौराहे के पास और इसी से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमको भीड़ भाड़ मिलने वाली है क्योंकि तो यहाँ से मान लीजिए मेन शहर की शुरुआत हो जाती है। देखो ये दाहिने हाथ जा रहा है हमारे, इधर से आएंगे तो आप पूरा अयोध्या जहाँ मंदिर उनकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नदी किनारे पहुँच जाएंगे। ये बाईपास आप लोग को अयोध्या पहुँचा देगा। अयोध्या शहर के अंदर बाईपास चौराहा और उस चौराहे को भी काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया। पहले यहाँ कचरा सा हुआ करता था पुल के नीचे, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बना दिया गया है और घास वहाँ लगा दी गई, पार्क बना दिया गया, फुहारा लगा दिया गया है, काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो हम बाईपास शहर के अंदर चलते हैं। शहर के अंदर करके है आप लोग को यहाँ पर फल वल के ठेले दिखने आएंगे और इधर ये है नवीन मंडी, नवीन गल्ला मंडी, सब्जी का थोक मार्केट है पूरी।
और पूरे शहर की सब्जी हैं, इसे लोग खरीद के बेचते हैं। हर शहर में सब्जी मंडी होती है, तो उसी तरह यहाँ से भी एक सब्जी मंडी है जो काफ़ी बड़े स्तर पर है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और कोशिश करेंगे इसका दो पार्ट करने का। फर्स्ट पार्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आप लोग को बाईपास दिखाया, आगे नाका दिखाएंगे, पुलिस से होते हुए चलेंगे, फिर आप लोग को रिगावगंज से लेकर चौक पर दिखाएंगे। चौक का भी इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे और उसका दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे देवपाली साइड की तरफ से, मतलब बाईपास होते हुए जाएंगे देवपाली बाईपास और जो अयोध्या है मेन उसको दिखाएंगे। तो आगे की एक कहानी है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो वीडियो बनाने आप लोगों को। तो ये है नाका और बाईपास के बीच में, और देखिए यहाँ पर रिलायंस डिजिटल का बड़ा सा शोरूम बना हुआ है। आपको अयोध्या शहर में सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और बड़ी बड़ी आउटलेट्स बहुत तेज़ी के साथ खुल रहे हैं। वहाँ पर तो बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है, वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और सब सारी चीज़ें खुल रही हैं, मतलब सारी सुविधाएँ युक्त होगा आराम पर। और काफ़ी किलोमीटर लंबा है, पहले वो नॉर्मल रोड का करता था लेकिन अब तक वो राम पटना भी दिख गया है, काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौड़ीकरण किया जा रहा है, अभी इस रोड पर उसका भी एक झलक मिलेगी इस वीडियो में आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर यह है वी मार्ट, यहाँ का नाका का वी मार्ट है, और अयोध्या में दो वी मार्ट हैं, एक नियाओं के पास है और एक नाका पे। तो हम चल रहे हैं अब इस साइड में, दाहिने हाथ इस तरफ पे आएंगे तो पहुँच जाएँगे प्रयागराज वाले हाईवे पर, और हम चल रहे हैं ये पहुँच के अंदर। दोस्तों हम नाका चुंगी से आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं शहर का नज़ारा किस तरह से, और ये बगल में एक और ये मॉल खुला हुआ है। यहाँ पर दो तीन मॉल हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉल हो चुके हैं नाका के पास से। मेगा सॉफ्ट है और सिटी हमारे बाएं हाथ पर, और ये यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, दुबई थीम प्रदर्शनी नीलकंठ में लगी हुई है, काफ़ी भीड़ लग रही है और काफ़ी लोग इस समय अपने परिवारजनों के साथ प्रदर्शनी का मज़ा ले रहे हैं। तो आप लोग अगर लोकल हो तो आइए प्रदर्शनी का मज़ा लीजिए। हम पहुँचने वाले हैं हनुमानगढ़ी के पास। सिद्धपीठ मंदिर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और इधर ये 14 बजे परिक्रमा मार रही है, मतलब यहाँ 14 बजे परिक्रमा उठता है। तो इस साइड के लोग हैं सुल्तानपुर रायबरेली साइड के लोग आते हैं, यहीं 14 बजे परिक्रमा की शुरुआत भी करते हैं, और ऐसे जाता है ये परिक्रमा रामनगर होते हुए। उस समय इस पर भी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, सामने देख पा रहे होंगे जो बड़ी सी बिल्डिंग है जसपाल मेडिकल स्टोर, ये टूट रही है, काफ़ी बड़ा चौड़ा था यहाँ होगा, फिर उसका टूट रहा है। अभी हमने एक वीडियो की बार लगती है, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो 14 कोसी परिक्रमा मार का चौड़ीकरण हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उसके नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा आप लोगों को अयोध्या जुड़ी तमाम अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों नाका से और आगे बढ़ते हुए यहाँ फूल वूलों की दुकान है, यहाँ फूल प्रकृतिक मंडी टाइप की है, यहाँ फूल सुबह सुबह खूब सारे फूल बिकते हैं। मकबरे के पास मकबरा पहुँचने, मतलब नाका और मकबरे के बीच में हैं। अब आगे भी आपको दिखाते हैं मकबरा, मकबरा एक बनाई हुई बहुत ही अच्छा सा, मतलब ताजमहल टाइप का बनाया गया है, अभी बड़ा सा मकबरा है जो पहले के शासकों ने बनाया था यहाँ पर। एक झलक उसका भी दिखाते हैं आप लोगों को। उस वक्त ये उस साइड में बड़ी इमारत बनी है, इधर इसके अंदर है मकबरा। मकबरा नहीं चलेंगे, हम चलेंगे इस साइड में, और ये चलता है हम को मिलने वाला है ओवर ब्रिज, और ये हमारे तरफ सीता माता का मंदिर है ये, और यहीं से चलते हैं ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज से फिर आप लोग को ले चलते हैं सीधा रामपत्ता, रामपत्ता छोटा सा
कुछ हिस्सा मिलेगा आप लोग को इस वीडियो में, देखिएगा किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर। और बाकी सेपरेट वीडियो देखना चाहें तो उसको मीटर अलग का है, हमारे चैनल पर है। तो हम चल रहे हैं इस समय ओवरब्रिज पर, मकबरा से लेकर ये ओवरब्रिज पटेल उसको कनेक्ट करता है। और इधर से रोडवेज जाने के लिए भी आसान होगा रेलवे स्टेशन के, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग थी रेलवे स्टेशन वाली हमेशा बंद रहती थी, इसलिए बनाना बहुत जरूरी था और बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब इससे आप लोगों को बहुत ही आसान होता, मतलब जो कि यहाँ के लोग हैं काफ़ी आसान हो जाता है। और हमारे बाईं साइड आप लोग देख पा रहे होंगे इधर है रेलवे स्टेशन अयोध्या का, हम रुक के आपको उसको दिखाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से है अयोध्या का एंकर। तो आप लोग इधर देखिए, ये है अयोध्या का एंक, इधर अयोध्या का एंक था। और इस तरफ जाएंगे तो आप लोग को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पड़ेगा। हम चलते हैं सीधे आप लोगों को और दिखाते हैं। शायद बजाते हुए कोई गाड़ी आ रही है भैया, एम्बुलेंस भी हो सकती है, पुलिस वाले की गाड़ी हो सकती है, लेकर। और दोस्तों हमारे दाहिने हाथ पर ये है यहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज GIC, जो अपना कई चीज़ों में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब यहाँ पर चुनाव होता है तो सारी मशीनें इसी में रखी जाती हैं, और जब दुर्गा पूजा होता है तो काफ़ी बड़ी सी फील्ड है, उसी में यहाँ की सारी मूर्तियाँ इकट्ठी होती हैं और यहीं से शोभा यात्रा निकलती है और जो कुरताज घाट भी लेकर जाकर उसको विसर्जित किया जाता है। और देखिए काफ़ी बड़ा सा चौराहा यहाँ भी बना दिया गया है, लाइट वाइट लगी हैं। अब दोस्तों हम इस हाथ से चलेंगे आप लोग को दिखाते हुए, थोड़ा सा भी आगे आराम पथ मिलेगा। दोपहर का बज रहा है 3:30, आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से गर्मी काफ़ी हो रही है और इधर कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है। तो इधर भी इसको बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन इधर बारिश नहीं हो रही है, तो इससे गर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है। और हम पहुँच चुके हैं फतेहगंज वाली रोड पर, जो फतेहगंज और जेल वाली रोड है। यहाँ तो हमारे जेल आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़ी सी बिल्डिंग है जेल है, और इस साइड पर यहाँ की पुलिस लाइन है, यहाँ पर ढेर सारे पुलिस वाले रहते हैं और यहाँ पर पूरे अयोध्या शहर का मॉनिटरिंग करते हैं और पूरी यहाँ की जो कानून व्यवस्था है बनाए रखते हैं और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। आगे चल रहे हैं इस तरह से, थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड हमने बढ़ा दिया, हमको थोड़ा सा यहाँ खुला खुला मिल गया है। यह भी स्कूली बस आ रही है, देवा कॉलेज कॉलेज की बस थी। अब हम पहुँच चुके हैं फव्वारा चौराहा, सिविल लाइन फव्वारा चौराहा। उसको आप सीधे से जाएंगे तो आगे यहाँ से पड़ जाएगा बस स्टॉप, और इस साइड जाएंगे तो रेलवे स्टेशन तक चले जाएँगे। हम रेलवे स्टेशन ना जाकर ना बस स्टॉप जाकर हम चलते हैं इस साइड में और दिखाते हैं आप लोगों को। अगर जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक पार्ट और लाएंगे जिसमें सब चीज़ें छूट रही हैं उसको हम दिखाएंगे। वो तो देखिए किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे शहर में, आपको बता रहा है किस तरह से कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। और जो पड़ोसन से देखिए उसका यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, और यहाँ देखिए बड़े बड़े गटर राम पथ पर खोदे गए हैं, यहाँ भी खोदे गए हैं बहुत सारे गटर। और ये सिविल लाइन एरिया है, पाइप रखी हुई है, इस तरह पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों अमरीकागंज की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनली पहुंच चुके हैं रामपथ पर। तो देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन देखकर ये किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है रामपथ पर, काफ़ी चौड़ा सा पथ बनाया जा रहा है। तो सीधा साधुगंज से लेकर अयोध्या नया घाट तक तिरक किलोमीटर लंबा होगा और सारी सुविधाओं युक्त होगा, काफ़ी अच्छा होगा, खूबसूरत होगा ये रामपथ। और ऐसे जैसे चौड़े चौड़े रोड पूरे शहर में देखने को मिलेंगे, पहले इसको कम्प्लीट कर लें और सारी जो चीज़ें बची हैं उनको कम्प्लीट किया जाता है। ये कितना जाम लगा हुआ है क्योंकि एक ही तरफ से चलना हो पा रहा है। तो हमें समय विकासगंज हनुमानगढ़ी चौराहे का, और यहाँ पर ये रामपथ जा रहा है।
पहले यहाँ आमों की खूब सारी मंडी लगती थी उस साइड में, लेकिन कंस्ट्रक्शन होने के कारण सब दिक्कतें हैं। इसमें समझे पूरे शहर का हालत बहुत ख़राब है, निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब हमें लगता है जाम का लंबा सामना करना पड़ेगा। यहाँ बीच में कुछ बन भी रहा है। इस वीडियो को देख लिए हम करते हैं कुछ, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। तो दोस्तों थोड़ा सा हम कट मार के गली से लेकर आगे निकल आए, क्योंकि तब बहुत सारा जाम लगा हुआ था। तो फिर से हम आ चुके हैं और ये है यहाँ का जिला अस्पताल अयोध्या। और देखिए यहाँ से भी रामदास जा रहा है और हमारे सामने से भी जा रही है, काफ़ी धीरे धीरे जा रही है। तो हमारा वीडियो भी धीरे धीरे शूट होगा, तो उसको चलिए कोशिश करते हैं बगल से निकालने की। और इधर से भी गाड़ी आ रही है, ओवरटेक करना इतना इस बड़ा ही मुश्किल है समय। और देखें किस तरह से पूरा मिट्टी खुदी हुई है, बीच में डक्ट बन रहे हैं, कोई पानी फंसा के ले जा रही है, कहीं लगना होगा। थोड़ा सा रास्ता मिल जाए तो हम निकल जाए यहाँ से। और हम सफल हुए निकलने में। और देखिए किस तरह से ये है रामपद, हम पहुंच चुके हैं रिकार्गंज वाले हिसाब से। यहाँ को कई लाइटें लगी हुई थी सामने, आपको देखिए बीच में एक खंभा खंभा भी पड़ गया है। और इधर ही जाएंगे, ये रामपद जा रहा है, हम चल रहे हैं साइड चौक की तरफ। आप लोग को चौक दिखाते हैं अयोध्या का जो चौक है किस तरह से है वर्तमान में। नहीं पड़ रहा है कि वहाँ सब कुछ टूटेगा, नया होगा, किस तरह से होगा, क्या प्लानिंग है, तो आप लोग पुराना देख लीजिए। और नया बनेगा तो अभी दिखाएंगे ही, तो कुछ इस तरह से ही है रिकार्गंज से और चौक के बीच। यहाँ खूब सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी और इस साइड में हार्डवेयर की और जो कृषि यंत्र हैं उन सबकी दुकानें मिल जाएंगी। और यहाँ पर महालक्ष्मी है और ये परम पेटीज है, तो यहाँ का मशहूर लोकल ब्रांड है और यहाँ रखी एक चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। रिकार्गंज से तो आगे बढ़ते हैं, रिकार्गंज चौक के बीच में पहुँच चुके हैं। और मैं थोड़ा सा इसको भी चौड़ा किया जाएगा, इतना किया जाएगा, अभी इस पर कार्य नहीं चल रहा है और आगे फ्यूचर में इसको भी चौड़ा किया जाएगा। देखिए अभी क्या है, दोपहर का समय होने के कारण धूप काफ़ी कम है और धूप फिर तेज निकल आई है। उस वजह पहले थोड़ी सी बदली हुई थी, कम छैया थी, लेकिन अब फिर से धूप तेज हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को गंग से और चौक बीच में कपड़े की शॉप काफ़ी मिल जाएगी और हर चीज़ की दुकानें मिल जाएगी। कपड़ा का पूरा इधर सकता से मंडी है पूरे शहर की, वो आते हैं। और ये देखिए सेट कनक है, यहाँ पर पूरा कई सारी दुकानें हैं, तो केवल कपड़े की मार्केट है पूरी। और सामने आप लोग हमारे देख पा रहे हैं चौक दरा दिख रहा है, ये यहाँ पर तीन दर बनाए गए हैं, इसीलिए तिंद्रा भी बोल रहा है चौक तिंद्रा। और एक बड़ी सी मस्जिद है और उसमें पड़ा है, ये सब पूरा यहाँ से टूटेगा और तो फिर से नए तरीके से बनाया जाएगा। कब होगा, क्योंकि बीच में बहुत तेज़ी के साथ हुआ शुरू, लेकिन कुछ फिर नहीं हो रहा अभी। यहाँ पर काफ़ी लोग दुकान वन खाली कर रहे थे, लेकिन घर ही रुक गया है। अब ये दर है अयोध्या चौक का, पहले इसका नाम फैजाबाद हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम अयोध्या है और अयोध्या ही रहेगा। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अयोध्या चौक, देख लीजिए इस तरफ जाएंगे तो आप फतेहगंज पहुँच जाएंगे। और ये है अयोध्या चौक घंटाघर, और इस तरफ से आप जाएंगे तो आगे फिर से रामपथ आपको मिल जाएगा, तो अयोध्या की तरफ लेके चला जाएगा।
फैजाबाद चौक हुआ करता था, अब ये हुआ है आजाद चौक। उस तरफ चलेंगे हम, उधर चलेगा जो वाली की तरफ पहुँच जाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज वीडियो आप लोग को हमने दिखाया नाका से लेकर फतेहगंज से रुका हुआ, फतेहगंज से नहीं दिखाया, मकबरा रिकागंज होते हुए दिखाया। और नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें जो चीज़ें छुटी हुई हैं, आप लोग कमेंट करिए। अगर कमेंट करेंगे ज़्यादा तो नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तो हमें उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार, जय श्री राम।